हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लजीज लखनऊ। मेरा नाम है ऋषभ और मैं बनाता हूँ फूड रिलेटेड ब्लॉग। आज का ब्लॉग है भाई सिर्फ मोमोज को डेडिकेटेड है ना। ये जिस जगह पर मैं आया हूँ उस जगह को आप कह सकते हैं सिर्फ मोमोज की मार्केट। मतलब यहाँ पे मोस्टली हर ठेले पे आपको मोमोज ही मोमोज मिलेंगे और जगह का नाम है तोपखाना मार्केट। कैंट एरिया में है और हर कोई नहीं आ सकता है। हर कोई मतलब आ सकता है अगर आप डबल हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बिना हेलमेट के बिल्कुल नहीं होती है। कैंट एरिया के अंदर है, काफ़ी सिक्योर्ड एरिया है और सारे जितने भी मतलब मोमोज बनाने वाले हैं सिर्फ ऑथेंटिक मोमोज जो हमेशा से मोमोज बनाते हुए आ रहे हैं। तो ज़्यादा आपको मतलब ये डिफरेंट स्टाइल्स के मोमोज नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक मोमोज बन रहे हैं वही है, है ना। अब वो चाहे चिकन मोमोज हो गए, चाहे वो पनीर मोमोज हो गए, चाहे वो हमारे नॉर्मल वेज मोमोज हो गए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोमोज हैं, कई सारी शॉप हैं। मैं हर शॉप को थोड़ा थोड़ा कवर करूँगा, हर किसी ओनर की भी मैं मतलब शॉप के बारे में तो ज़रूर दिखाना चाहूँगा और साथ ही साथ मोमोज के लिए देखते हैं कैसे खाता हूँ। इतनी शॉप से चुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि कैसे खाया जाएगा तो दिखाते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलते हैं, ज़रा शॉप का नज़ारा देखते हैं। एज ए सेड, भीड़ बढ़ने लगी और शॉप्स और सारी लगेंगी। तो शॉप तो सारी लग गई हैं और भीड़ भी बढ़ने लगी है, तो अब बारी है कि हम एक एक करके सबके मोमोज ट्राई करें और हर एक शॉप वाले का इंट्रोडक्शन ले लें। तो पहले एक बार हर शॉप का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम मोमोज ट्राई करते हैं। तो मैं हूँ मिलन, मैं वैसे फिलहाल तो रेस कोर्स से हूँ, यहीं कैंट में रहने वाला हूँ। मेरा नाम जेपी मोदे है। वेज रखते हैं, पनीर रखते हैं, चाउमीन रखते हैं, बर्गर रखते हैं। मेरा नाम चिकन वेज स्प्रिंग रोल पास्ता मैक्रोनी सागर आई लव मोमोज। चिकन और वेज होगा आपका। मेरा नाम मनोज सिंह भंडारी है। मेरा नाम है सोनम भोटिया और मेरा शॉप का नाम है सोनम राय मोमोज और मेरे पास है वेज एंड नॉन वेज मोमोज। मेरा नाम हरिश्चंद जोशी है। विकी कुमार और मेरा तोपखाना कैंट में मेरी मोमो की शॉप है। यहाँ पर मैं 1.5 साल से हूँ और जिस हिसाब से यहाँ का मॉल है काफ़ी अच्छा रहता है, मार्केटिंग प्लेस है। ये मार्केट तो वैसे काफ़ी सालों से चल रही है और जो इसका टाइमिंग है वो 3:30 से स्टार्ट हो जाता है और लेट नाइट तक 10 तक चल जाता है। वैसे काफ़ी सालों से बहुत सारे पुराने और शॉप्स हैं जो काफ़ी 10-12 साल से चल रहे हैं। हम लोग तो अभी नए नए हैं और जितने सारे पुराने वो एक्सपर्ट हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी हैं वैसे दो लोग जो हैं उत्तराखंड और कुमाऊं वाले हैं और यहाँ देखा जाए तो 80% सारे नेपाली हैं और सारे एक ही जगह से रेस कोर्स से। वैसे तो यहाँ पर जो कैंट में जो है बाहर मतलब और जगह से गोमती नगर में और भी जो वृंदावन साइड में PGI वहाँ से बहुत सस्ता है, 40 वेज एंड 50 नॉन वेज। तो भैया अब बारी है मोमोज खाने की। मैंने जितने भी शॉपकीपर्स को मैं दिखा सकता था मैंने दिखाने की कोशिश की। अब हम ट्राई करते हैं लगाकर चटनी और ये रहा हमारा दूसरा भाई। जैसा कि मुझे बताया कि कड़वी वाली चटनी सच्ची में स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा ले आती। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा कैमरा पास आना, थोड़ा सा ये हम चटनी लगाएंगे, साथ ही साथ प्याज थोड़ा सा रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा मोमो तैयार। और ये एकदम परफेक्टली स्टीम्ड है, मतलब कुछ भी कच्चापन नहीं है। होता क्या अक्सर कि मोमोज के जो एंड होते हैं ये हमेशा ऐसे होते हैं कि थोड़े से कड़क होते हैं, थोड़े से रफ होते हैं, ये मतलब ये अच्छे से स्टीम नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसा मोमो है जो पूरी तरीके से स्टीम्ड है ना। और इनके यहाँ जितनी भी शॉप्स हैं सब में यही सीन है कि अगर बच्चे भी खाना चाहें तो ये चिकन मोमोज आराम से खा सकते हैं। तो अब इसको ख़त्म करते हैं और ट्राई करते हैं अपने वेज मोमोज। तो अब आ रही है वेज मोमोज को ट्राई करने की। ये वेज मोमोज के साथ भी आपको ये मैंने दूसरी शॉप से लिया, मतलब वैसे तो कई सारी शॉप है, एक से मैंने चिकन मोमोज ले लिया, एक से वेज ले लिया। इनके पास भी हरी चटनी और एक मूंगफली वाली चटनी और एक हमारी मेयोनीज। तो वेज मोमोज मैं कम खाता हूँ वैसे जब आपके पास चिकन का ऑप्शन हो। तो ये रही हमारी मेयोनीज और ये
गरम मसाले, सारी सब्जियाँ, और वो जो मोमोज का मिर्च के साथ जो एक अरोमा होता है ना, एक उसी सी खुशबू बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वेज मोमोज तो ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत काली मिर्च ये सब भी आपको समझ आ जाता है खाते ही। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कवरिंग। तो अब वेज मोमोज भी खा लिए, अब बारी है निकलने की। एक बार मैं रेट बता देता हूँ यहाँ का और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। सो अब बारी है ब्लॉग को एंड करने की, और मैं बता देता हूँ कि मोमोज के जो रेट हैं, वेज हो या नॉन वेज, अगर हाफ प्लेट आप ले रहे हो तो वेज और नॉन वेज में आपको प्राइस 20-30, और अगर आप फुल प्लेट ले रहे हो वेज या नॉन वेज में तो आपको 50-60 के बीच सारे मोमोज अवेलेबल हैं यहाँ पे। चिकन और पनीर और वेज मोमोज ही हैं, तो आपको मैक्सिमम 60-70 में हर टाइप के मोमोज मिल जाएंगे। साथ ही साथ नूडल्स वूडल्स भी हैं, अगर आपको खाना है तो वो भी खा सकते हो। वैसे मोमोज के लिए तो ज़रूर आना। अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। साथ में मेरे पास है ये एक ये कौन सा शेक है, बादाम शेक। वैसे काजू शेक पीता हूँ आज। ये पीछे भैया क्या काजू शेक ख़त्म हो गया है, तो फिर हम बादामी शेक पियेंगे। मतलब मैं जब भी मोमोज खाने आता हूँ तो इस जगह पर ज़रूर शेक पी लेता हूँ, ताकि जो जितना भी कड़वा हो अपन हो मेरी ज़बान पर सब गायब हो जाए। तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, इसको पीता हूँ, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।